डोनेशन गिल्ड मैंने छोड़ दिया। यूट्यूब में हूँ तो मेरा एक ही काम है कि आप लोगों को एंटरटेन करना, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाना। गिल तो गेम का एक हिस्सा है, छोटा सा पार्ट। भाई जिस बंदे ने, जिस गिल्ड ने तुमको जीरो से उठा के 400 के सब्सक्राइबर पे बैठा दिया, तुमको यूट्यूब पे पॉपुलर करा दिया, उसको तुम छोटी सी बात बोल रहे हो? भाई शर्म आनी चाहिए। प्रो नेशन वर्सेस नॉन स्टॉप गेमिंग, एनजी वर्सेस पीएन। अब देखो ये जो प्रेम कहानी है ना, इसके सामने ना ही जोधा अकबर टिक सकते हैं, ना ही रोमियो जूलियट और ना ही लैला मजनू, क्योंकि इनकी जो प्रेम कहानी है ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अच्छा बात नहीं है। ये सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पीएन रेक्स से। अब तुम लोगों को पता होगा रेक्स ने गिल्ड छोड़ा था, उसके ऊपर दो वीडियो बना के पूरे रीजन बताए थे किस रीजन की वजह से उसने गिल्ड छोड़ा है। और देखो कहीं ना कहीं रेक्स की बातों में फैक्ट्स थे, उसका रीजन भी वैलिड था गिल्ड लीव करने का, बट रेक्स तक ये बात सही थी। उसके बाद जिन बंदों ने भी लीव करा, तुम नाम भाई लगातार जोड़ लो, पीएन जेम्स, पीएन रेक्स, पीएन कियारा, पीएन एम्पायर, पीएन अयान, गू निंजा, पीएन लायन एक्स, पीएन कैरी, इतने सारे प्रो नेशन के बंदे गिल्ड को लीव करके नॉनस्टॉप गेमिंग के गिल्ड में ज्वाइन हो गए। और सबका क्या रीजन? सबका सिमिलर रीजन, जो भी रेक्स ने पॉइंट्स बोली थी अपनी वीडियो में, सबने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, सेम पॉइंट्स चपका दिया, और इसके वजह से कहीं ना कहीं अनवांटेड हिट हर्ष को मिल रही है। दिल से बुरा लगता है भाई। एंड ये जो सीन चल रहा है ना, इसमें इन दोनों की कोई भी गलती नहीं है। अब तुम बोलोगे गलती किसकी है? देखो पूरी की पूरी गलती है ये गिल्ड मेंबर्स की। मैं रेक्स को साइड में रखता हूं क्योंकि रेक्स के पॉइंट वैलिड थे भाई, वो बंदा ये सब किया चलो ठीक है, बट ये इस रेक्स को छोड़ के बाकी जितने बंदे हैं ना, सारे के सारे सांप पाल रखे थे, सांप को पाल रहा था। बट मेरा ये मानना है कि जब गिल्ड मेंबर्स तुम्हारे गद्दार निकले, सांप निकले, वो गिल्ड छोड़ के दूसरे गिल्ड में जा रहे हैं, तो उस गिल्ड के ऑनर को यानी कि लीडर को आखिर क्यों इन चीजों के लिए क्लेम कर? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम ये समझो कि ना ही हर्ष गलत है और ना ही नॉनस्टॉप गेमिंग गलत है, लेकिन थोड़ी मोड़ी गलती दोनों की है, क्योंकि तुमको पता है भाई 100% शुद्ध तो डेटॉल भी नहीं होता। अब गलती कैसे? आप देखो हर्ष वाले केस में यानी कि पीएन प्रोनेशन में, प्रोनेशन गेम का ये है कि जो भी इनके गिल्ड में यूट्यूबर है पीएन की गिल्ड में, उसके चैनल के नेम के आगे भी पीएन होना चाहिए। ये कैसा रूल है यार भाई आदसा? दूसरी चीज कि आपको जिन मेंबर्स से बोला जाएगा, मतलब कि जो बाहर के गिल्ड के बंदे रहेंगे उनसे अगर आपको मना किया बात करने के लिए, तो भले आपको वो बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आप उनके साथ बात नहीं कर सकते, कंटेंट नहीं बना सकते, बिना लीडर के पूछे हुए कोई भी चीज आप अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते अपने मन का, तो फिर भाई काहे का रूल ये सब? बट वेयर एज अगर आप नॉनस्टॉप गेमिंग के गिल्ड में होते तो कोई भी ऐसा रूल वगैरह नहीं है कि बैनर सिम रखना है, ये करना है, वो करना है। भाई मस्त अपने लाइफ में जियो, बस कंटेंट डालते रहो, जो भी मर्जी है तुम्हारी चैनल, तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा कंटेंट, तुमको मुबारक। लेकिन एक गलती जो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉनस्टॉप के साइड से है, वो मैं तुमको समझाता हूँ। अब देखो एक बंदा आया रेक्स, वहां तक ठीक था, ठीक है, एक दो बंदे और आए वहां तक भी ठीक था, उसने यानी कि शिवम ने, एनजी के लीडर ने अपने गिल्ड में ले लिया इन बंदों को, वहां तक सीन सही था। बट सारे बंदे ही उठ के आ गए, तुम सबको एंट्री दे रहे हो, तो ये बहुत गलत है। एंड ये सीन तब जाके बहुत ज्यादा गलत हो गया जब तुम कियारा को अपने गिल्ड में ले रहे हो। भाई मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोगों को पता है नॉनस्टॉप गेमिंग की गिल्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा गेम होना चाहिए, 1v4 1v6 करने आना चाहिए, अच्छे क्लचेस निकालने आना चाहिए, रेड नंबर्स मारने आने चाहिए, बट कियारा ऑन व्हाट बेसिस? भाई किस बेसिस पे तुमने लिया है इस बंदी को? ऐसे ही वुमेन। चलो एक चीज कियारा का सही लगा मेरे को, एटलीस्ट बंदी ने एक्सेप्ट तो करा कि व्यूज का चक्कर है सारा कुछ, बाकी बंदे तो भाई बेफालतू में रेक्स वाली स्क्रिप्ट को उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं और बस हो गया, उनकी वीडियो तैयार हो गई। मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग जो भी ये रीजन दे रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, एक साल पहले, डेढ़ साल पहले जब हर्ष के चैनल पे व्यूज आ रहे थे, वो तुमको प्रमोट कर रहा था, तब ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे थे, अभी ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? सावधान रहे, सतर्क रहे, मैं तो हर किसी को बोलूंगा, मैं नॉनस्टॉप को भी सेम चीज बोलूंगा, भाई अभी तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं इसलिए तुम्हारे आगे पीछे ये सारे प्लेयर्स घूम रहे हैं, अगर उस बंदे को धोखा देके ये तुम्हारे पास आए तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये कल को तुमको धोखा नहीं देंगे? तो इस बारे में जरा सोच विचार करना।
भाई ने बोला करने का तो करने का। और एक बात और सोचो तुम, अगर सारे ओवर पावर्ड प्लेयर, सारे अच्छे प्लेयर, सारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स अगर एनजी के गिल्ड में आ जाएंगे तो भाई कॉम्पिटिशन कहाँ से बचेगा। ये जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं ये लोग या जो भी कोई इवेंट होता है उसमें सारे बंदे इन्हीं के पास रहेंगे, बाकी किसी गिल्ड में अच्छे प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे, तो कॉम्पिटिशन कैसे होगा। प्लेयर्स को हम लोग ले रहे हैं तो ऐसा लग भी रहा है कि यार कॉम्पिटिशन, सब लोग हमारी गिल्ड में आ जाएंगे तो फिर कॉम्पिटिशन कहीं धीरे धीरे खत्म ना हो जाए। तो बस लॉन्डो आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। तुम लोग बोल रहे थे इस टॉपिक पे बोलो बोलो बोलो, तो फाइनली हमने वीडियो बना दिया। एंड इस वीडियो को तुम जितना शेयर कर सकते हो करो ताकि लोगों तक रियलिटी पहुंचे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, वंदे मातरम। रुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं।